हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू अभीपीडिया पावर्ड बाय अभिमन्यु आई वेलकम टू दिस सीरीज़ जिस पे हम जनरल स्टडीज़ के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं सो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड मेनी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस फ्रॉम इंडियन पॉलिटी आज भी हम उसी में आगे कंटिन्यू करते हुए पार्ट थ्री पार्ट फोर एंड पार्ट फोर ए यानी कि फंडामेंटल राइट्स डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स और फंडामेंटल ड्यूटीज से रिलेटेड कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन डिस्कस करेंगे

In the comment section. Let us start. Starting with question number one. Which of the following fundamental rights is or are guaranteed by the constitution? In my conse fundamental rights, the constitution. Mein. Number one, right to practice and propagate religion. Number two, right to convert religion of people. Number three, right to establish and maintain institutions. फॉर रिलीजियस एंड चैरिटेबल पर्पजेस सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट तो इसका आंसर बताइए इनमें से कौन कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है वन एंड टू टू एंड थ्री वन एंड थ्री या ऑल ऑफ दस ओके सो राइट टू प्रैक्टिस एंड प्रोपिगेट रिलीजन ये बिल्कुल सही है आर्टिकल 25 फाइव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में राइट टू प्रैक्टिस एंड प्रोपिगेट रिलीजन इज़ अ फंडामेंटल राइट सेकेंड है राइट टू कन्वर्ट रिलीजन ऑफ पीपल अब ऐसा कोई फंडामेंटल राइट right नहीं देता इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कि आप किसी का धर्म बदलवा भी सकते हो आपको खुद कोई भी धर्म मानने का अधिकार है उसका पूरा राइट right है और आप उसको प्रोपिगेट भी कर सकते हो सब कुछ कर सकते हो बट यू कैन नॉट कंपेल सम वन एल्स टू कन्वर्ट देयर रिलीजन राइट टू कन्वर्ट द रिलीजन ऑफ पीपल इज नॉट अ फंडामेंटल राइट थर्ड राइट टू एस्टेब्लिश एंड मेंटेन इंस्टीट्यूशन फॉर रिलीजियस एंड चैरिटेबल परपजेस बिल्कुल आर्टिकल 26 के अंडर ये राइट दिया जाता है सो आंसर विल बी वन एंड थ्री सो सी इज योर आंसर सी इज द करेक्ट आंसर सो आर्टिकल 25 फाइव क्लॉज वन कहता है कि तीन रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है पब्लिक ऑर्डर मॉरलिटी और हेल्थ अगर ये तीनों वायलेट नहीं होते तो फ्रीडम ऑफ रिलीजन है हर किसी को एवरी वन इज़ फ्री टू प्रोफेस प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेट एनी रिलीजन बात रही रिलीजियस कन्वर्जन की तो एक केस हुआ था स्टेनिस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश 1977 में इसमें कोर्ट ने साफ तौर पर कहा था दैट देर इज़ अ डिस्टिंक्शन बिटवीन राइट टू प्रोपेगेट वन रिलीजन और फेथ एंड द राइट टू कन्वर्ट अपना धर्म फैलाने में और किसी को कंपेल करने में कि वो अपना धर्म बदल ले दोनों में बहुत फर्क होता है द कोर्ट रूल्ड एट द फॉर्मर इज गारंटीड बाई आर्टिकल ट्वेंटी फाइव अपना धर्म आपको प्रचार करना आप कर सकते हो बट कन्वर्जन एनजॉय नो सच प्रोटेक्शन राइट टू कन्वर्ट इसमें इंक्लूड नहीं होता इनफैक्ट इट इज़ इलीगल और आजकल करंट अफेयर्स अगर आप पढ़ रहे हैं कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जो एंटी कन्वर्जन बिल पास कर रही हैं जैसे उत्तर प्रदेश ने ऐसा ऑर्डिनेंस पास किया है अभी इन द न्यूज़पेपर ऑफ टुडे ट्वेंटी सेवंथ ऑफ डिसंबर टू थाउजेंड ट्वेंटी एक न्यूज आई है दैट इवन मध्य प्रदेश कैबिनेट हैज गिवन नॉड टू एंटी कन्वर्जन बिल तो कन्वर्जन जो है वो एज सच फंडामेंटल राइट नहीं है इनफैक्ट इसको पनिशेबल ऑफेंस बनाया जा रहा है बात रही है आर्टिकल 26 की तो आर्टिकल 26 के अकॉर्डिंग रिलीजियस और चैरिटेबल पर्पजेस के लिए जो uh, ये चीज है वो की जा सकती है सो स्टेटमेंट वन एंड स्टेटमेंट थ्री आर करेक्ट राइट टू एस्टेब्लिश एंड मेंटेन इंस्टीट्यूशन फॉर फॉर रिलीजियस पर्पजेस ये भी फंडामेंटल राइट right है सो सेकेंड स्टेटमेंट आपकी गलत है क्वेश्चन नंबर टू आर्टिकल फिफ्टीन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एनेबल्स द स्टेट फॉर मेकिंग स्पेशल प्रोविजन फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ सिटीजन आर्टिकल फिफ्टीन के अंडर किस स्पेशल कैटेगरी के लोगों के लिए प्रोविजन दी गई है वन विमेन एंड चिल्ड्रन टू शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स थ्री इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन सिलेक्ट द करेक्ट कोड आर्टिकल 15 प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन ऑन वेरियस ग्राउंड्स, लेकिन उसमें कुछ एक्सेप्शंस दी गई हैं तो इनमें से कौन सी कैटेगरी उस एक्सेप्शन में फॉल होती है ये क्वेश्चन पूछ रहा है सो लेट मीनो योर आंसर्स इन द कमेंट्स क्या इसका आंसर होगा यस yes. बाकी लोग भी कमेंट कीजिए राइट देखिए विमेन एंड चिल्ड्रन के लिए देर आर स्पेशल प्रोविजंस अंडर आर्टिकल फिफ्टीन शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए भी स्पेशल प्रोविजन है और आफ्टर हंड्रेड एंड थर्ड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हंड्रेड एंड थर्ड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट देयर इज नाउ प्रोविजन फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन एज वेल दस परसेंट रिजर्वेशन जो है वो इंट्रोड्यूस की गई थी एक सौ तीन अमेंडमेंट के बाद इन द फॉर द इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन तो तीनों ही एक्सेप्शन फिफ्टीन में आती हैं सो द आंसर इज डी ऑल ऑफ सो आर्टिकल फिफ्टीन जो है ये प्रोहिबिट करता है मतलब इट प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन किस किस ग्राउंड पे रिलीजन रेस कास्ट सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ लेकिन इसमें तीन एक्सेप्शन हैं आर्टिकल फिफ्टीन क्लॉज थ्री में एक्सेप्शन है कि वेमेन और चिल्ड्रन के लिए स्पेशल प्रोविजन बनाई जा सकती हैं आर्टिकल 15 क्लॉज 4 में एक्सेप्शन है कि शेड्यूल कास्ट्स और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए स्पेशल प्रोविजंस बनाई जा सकती हैं और आर्टिकल 15 क्लॉज 6 में है कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए भी स्पेशल प्रोविजन बनाई जा सकती है इसीलिए तो वैसे तो डिस्क्रिमिनेशन करना अलाउड नहीं है लेकिन इन लोगों के लिए रिजर्वेशन दी जाती है इन लोगों के लिए स्पेशल प्रोविजन की जाती है तो ये एक्सेप्शन हैं इन्हें डिस्क्रिमिनेशन नहीं माना जाता दैट इज वट इट मीनस क्वेश्चन नंबर थ्री विच अमंग द फॉलोइंग इज प्रोवाइडेड अंडर कॉन्स्टिट्यूशन एज अ ग्राउंड फॉर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन ऑन फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन यानी कि ये बात कर रहा है आर्टिकल 19 क्लॉज़ वन सब क्लॉज ए की तो अंडर आर्टिकल 19 क्लॉज़ वन सब क्लॉज ए फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन सबको दिया गया है सभी इंडियन सिटीजन को अवेलेबल है लेकिन आर्टिकल 19 क्लॉज टू में रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लिखी हुई हैं कि आप ऐसा नहीं कि आप कुछ भी बोल दोगे कुछ भी एक्सप्रेस कर दोगे देर आर सर्टन रिस्ट्रिक्शन ऑन दैट इट्स नॉट एन एब्सोल्यूट राइट इट इज़ अ क्वालिफाइड राइट विद रिस्ट्रिक्शंस तो वो रिस्ट्रिक्शन कौन कौन सी है इनमें से दैट इज वर द क्वेश्चन इज आस्किंग नंबर वन पब्लिक ऑर्डर नंबर टू फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरन स्टेट्स नंबर थ्री प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ एनी शेड्यूल ट्राइब तो इनमें से कौन कौन सी एक रिस्ट्रिक्शन है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन पे यस लेट मी नो कि क्या इनमें से ऐसा है जो कोई बंदा कुछ बोल दे या कुछ एक्सप्रेस कर दे तो इनमें से क्या क्या चीज़ें खराब हो सकती हैं पब्लिक ऑर्डर फ्रेंडली रिलेशन शेड्यूल ट्राइब्स का इंटरेस्ट क्या क्या इससे हर्ट हो सकता है सो लेट अस सी द एक्सप्लेनेशन फर्स्ट ताकि आपको पता चले कि सारी रिस्ट्रिक्शंस वो कौन कौन सी हैं आर्टिकल 19 क्लॉज 2 के अकॉर्डिंग कौन कौन सी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं कि आप कुछ भी बोल सकते हो यू हैव द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन बट उससे सॉवरेंटी और इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया हर्ट नहीं होनी चाहिए नंबर वन नंबर टू सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट को कोई खतरा ना हो जाए जैसे आप कोई स्टेट सीक्रेट किसी को बता रहे हो और आप पकड़े जाते हो देन यू आर लाइबल फॉर प्रोसिक्यूशन आप ऐसा नहीं कह सकते कि मैं तो उसको कुछ भी बोल सकता हूँ मेरा तो फ्रीडम ऑफ स्पीच है नो यू कैन नॉट हर्ट द सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट देन फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरन स्टेट्स आपके देश के किसी दूसरे देश के साथ संबंध खराब ना हो ये आपको ध्यान रखना है पब्लिक ऑर्डर ख़राब ना हो जाए अगर आप कोई भड़काऊ स्पीच दे रहे हो कोई भाषण दे रहे हो जिससे पब्लिक भड़क जाती है दंगे हो जाते हैं या फिर किसी तरह का कोई क्राइम कमिट हो जाता है तो अगर आपकी स्पीच से पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब होता है देन इट इज़ अ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन आप ऐसा नहीं कर सकते डिसेंसी और मोरलिटी डिसेंसी का ध्यान रखना है कंटेम्प्ट करना दर इज अ डिफरेंस बिटवीन क्रिटिसजम ऑफ जुडिशियल डिसीजन एंड कंटेंट ऑफ कोर्ट एक लिमिट से ज़्यादा जब वो हो जाता है तो वो कंटेंट बन जाता है नाउ दिस इट डिपेंड्स ऑन केस बाई केस बेसिस आजकल ये बहुत न्यूज़ में चल रहा है बिकॉज ऑफ ट्वीट एंड यू कैन से डिफेमेटरी कंटेंट अगेंस्ट द सुप्रीम कोर्ट एंड अदर कोर्ट्स काफी सारे केसेज भी चल रहे हैं तो ये न्यूज़ में है डेफेमेशन और इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस तो अगर आप ये सब कुछ नहीं करते हो तब आप कुछ भी बोल सकते हो कुछ भी एक्सप्रेस कर सकते हो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन एट रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन से अब कौन सी रिस्ट्रिक्शन है सो पब्लिक ऑर्डर इज देयर फ्रेंडली रिलेशन फॉरन स्टेट इज देयर बट प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल ट्राइब इज नॉट देयर ऐसा आप क्या बोल दोगे जिससे किसी शेड्यूल ट्राइब का इंटरेस्ट खराब हो जाएगा यू कैन नॉट डिफेम तो डिफेमेशन में ही आ गया बट किसी शेड्यूल ट्राइब का आप क्या नुकसान कर दोगे अगर आप कुछ बोल लोगे नथिंग सो दिस इज नॉट अ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन द आंसर इज वन एंड टू ऑप्शन बी इज द आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन द राइट टू प्रॉपर्टी इज वट काइंड ऑफ अ राइट ऑप्शन आर ए लीगल राइट बी फंडामेंटल राइट सी राइट कॉन्फर्ड बाय एग्जीक्यूटिव एट और डी कन्वेंशनल राइट कौन सा कौन से तरीके का राइट है इंडिया में

देर इज नो गारंट राइट टू कॉम्पेंेशन इन केस ऑफ एक्विजीशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी बाई द स्टेट स्टेट अगर प्राइवेट प्रॉपर्टी एक्वायर कर लेती है तो कोई गारंटी नहीं है कि आपको कॉम्पेंसेशन मिलेगी नंबर वन नंबर टू इट कैन बी रेगुलेटेड विदाउट अ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट अगर यह कॉन्स्टिट्यूशनल राइट होता तो हर बार संविधान को अबेंड करना पड़ता लेकिन यह कॉन्स्टिट्यूशनल राइट नहीं है थर्ड एक्विजीशन ऑफ प्राइवेट लैंड बाय द स्टेट यह भी किया जा सकता है कोई प्रोजेक्ट बनना है कोई सोशल सिक्योरिटी के लिए कुछ करना है देन प्राइवेट प्रॉपर्टी कैन बी एक्वायर्ड बाय द स्टेट कुछ और इंप्लीकेशन क्या है इसके इट प्रोटेक्ट्स प्राइवेट प्रॉपर्टी अगेंस्ट एग्जेक्टिव एक्शन बट नॉट अगेंस्ट लेजिस्लेटिव एक्शन अगर लॉ बना के आपकी प्रॉपर्टी एक्वायर की जा रही है तब आप कुछ नहीं कर सकते हाँ एग्जेक्यूटिव एक्शन के अगेंस्ट यू कैन फाइल अ केस वायलेशन के केस में द एग्रीव्ड पर्सन कैन नॉट डायरेक्टली मूव द सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32। टू क्योंकि ये एक फंडामेंटल राइट right नहीं है इसलिए आप सीधा सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते अंडर आर्टिकल 32 फॉर इशूइंग अ रिट इशुन यू कैन गो टू अ हाई कोर्ट अंडर आर्टिकल 226 ट्वेंटी राइट right है आपका लीगल राइट वायलेट हो रहा है देखिए थर्टी के तहत आप सुप्रीम कोर्ट सीधा सिर्फ तब जा सकते हो जब आपका फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा हो विच अंडर पार्ट थ्री लेकिन क्योंकि राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट नहीं है इसलिए पहले आपको हाई कोर्ट जाना पड़ेगा बिकॉज हाई कोर्ट फंडामेंटल राइट्स की रिट भी एंटरटेन करता है और ऑर्डिनरी लीगल राइट्स की रिट भी एंटरटेन करता है हाँ अगर वहां से आप वो केस हारते हो देन इन अपील यू कैन गो टू द सुप्रीम कोर्ट बट नॉट डायरेक्टली दैट इज द डिफरेंस सो राइट टू प्रॉपर्टी इन इंडिया इज अ लीगल राइट क्वेश्चन नंबर फाइव आर्टिकल थर्टी टू से ही रिलेटेड ये क्वेश्चन है द रिट ऑफ को वारंटो कैन बी इशू टू एड्रेस विच ऑफ द फॉलोइंग को वारंटो की रिट इनमें से किस केस में इशू होगी नंबर वन इफ समबडी हैज बिन डिटेल्ड इनग डिटेन्ड इीगली यहां पर आएगा डिटेन्ड इीगली सेकेंड इफ अ लेजिस्लेटर होल्ड सच ऑफिस विच मेक्स हिम इन एलिजिबल टू बिकम एन एम पी थर्ड इफ एन ऑफिशियल इज नॉट डूइंग हर ड्यूटीज प्रॉपरली और डी इफ अ लोअर कोर्ट हैज असर्ब्ड इन लीगल जुरिस्टिक्शन एक्चुअली ये चारों चार अलग अलग रिट्स की डेफिनेशन हैं तो आपको बताना है कि इनमें से को वर्न रिट की डेफिनेशन कौन सी है स प्लीज बी क्विक इन कमेंटिंग ऑन दीडियो ओके सो सी एक करके देखते हैं इफ समन हैज बीन डिटेन्ड इलिगली इलीगल डिटेंशन के अगेंस्ट जो रिटिश की जाती है दैट इज हेबियस कॉर्पस हेबियस कॉर्पस टू हैव द बॉडी टू हैव द बॉडी ऑफ दैट इज द मीनिंग ऑफ हेबियस कॉर्पस कॉर्पस means बॉडी तो so, किसी को इलीगली डिटेन कर लिया गया तो हेबियस कॉर्पस की रेट लगती है इफ अ लेजिस्लेटर होल्ड सच ऑफिस विच मेक्स इम इन एलिजिबल टू बिकम एन एम पी यानी कि वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड कर रहा है जिसकी वजह से वो एम पी नहीं बन सकता तो कोई एक ऐसी सीट होल्ड कर रहा है जो उसको होल्ड नहीं करनी चाहिए सो हेयर द रेट ऑफ को वॉरंटो विल बी शूड बाय वट वॉर और अथॉरिटी को वारंटो का मतलब होता है बाय वट वारंट और अथॉरिटी आर यू ऑक्यूपाइंग दिस पर्टिकुलर ऑफिस सो वहां पर होगी को वारंटो तो इसका आंसर आपका हो जाएगा बी को वारंटो सी है इफ एन ऑफिशियल इज नॉट डूइंग हर ड्यूटीज कोई पब्लिक ऑफिशियल अपनी ड्यूटीज प्रॉपरली नहीं कर रहा तो आप उसको ड्यूटीज कराने के लिए रिट इशू कराओगे मैंडमस की मैंडेमस इज लाइक अ कमांड एक कमांड इशू करेगी कोर्ट की भाई तुम अपना काम अच्छे से क्यों नहीं कर रहे हो सो इट्स अ कमांड टू द ऑफिसर टू डू हिज हर ड्यूटीज Properly, तो मैंडेमस की रिट इस केस में इशू होगी और फोर्थ है इफ ए लोअर कोर्ट है अपनी ज्यूरिस्टिक्शन से एक्सीड होके कुछ कर दिया है इन दैट केस सर रिट वरी तो यह चार रिट्स अलॉन्ग विद ऑफ प्रोहिबिशन ये पांच रिट्स मैं आपके आर्टिकल थर्टी टू ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में okay? so, आपका आंसर हो जाएगा बी तो यहां पर वही मैंशन है को वारंटो मीन्स बाय वट वारंट और अथॉरिटी और सी और डी में कौन कौन से अप्लाई होती हैं नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर सिक्स प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दैट हैव अ बियरिंग ऑन एजुकेशन इनमें से कौन कौन से आर्टिकल्स की डायरेक्ट बियरिंग है एजुकेशन पे अब ये फंडामेंटल राइट से रिलेटेड आर्टिकल्स हैं सारे के सारे ऑल दीज आर इन पार्ट थ्री ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन नाउ दिस क्वेश्चन इज चेकिंग यूर फैक्चुअल नॉलेज स्टेट सर्विसेज में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं ये थोड़ा सा मैंने थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लिकेट किया है सो so दैट एक नॉच अबव करके आपको प्रैक्टिस करवाई जाए अदरवाइज जनरली दो या तीन आर्टिकल पूछ लिए जा सकते हैं मैंने यहाँ पर पाँच डाल दिए हैं टू मेक इट अब इट मोर कन्फ्यूजिंग कि ये पाँचों आर्टिकल्स अब आपको इन पाँचों आर्टिकल्स की प्रोविजन याद होनी चाहिए और कई बार स्टूडेंट्स पूछते हैं कि अब कॉन्स्टिट्यूशन में साढ़े चार सौ के करीब आर्टिकल्स हैं सो डू यू नीड टू रिमेंबर ऑल दी आर्टिकल्स नो यू डू नॉट नीड टू रिमेंबर ऑल दी आर्टिकल्स लेकिन आर्टिकल नंबर ट्वेल्व से लेकर आर्टिकल नंबर फिफ्टी वन ए तक आपको सारे आर्टिकल याद होने चाहिए वन बाय वन एक एक आर्टिकल आपको याद होना चाहिए इसके अलावा जो आ, आर्टिकल्स आपको याद होने चाहिए वो इंटरसपर्स्ट हैं बीच बीच में से हैं लेकिन ये सारे के सारे आर्टिकल आपको आने चाहिए आर्टिकल बारह से लेकर आर्टिकल फिफ्टी वन ए तक तो फंडामेंटल राइट्स यानी कि पार्ट थ्री डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स यानी कि पार्ट फोर और फंडामेंटल ड्यूटीज़ यानी कि पार्ट फोर ए ये तीनों के सारे आर्टिकल आपको आने चाहिए सो so, कौन कौन से इनमें से आर्टिकल्स हैं जो एजुकेशन पे कोई ना कोई इंपैक्ट डालते हैं फर्स्ट आर्टिकल थर्टीन देन आर्टिकल फिफ्टीन आर्टिकल ट्वेंटी वन ए आर्टिकल ट्वेंटी एट एंड आर्टिकल थर्टी तो इसमें मल्टीपल ऑप्शन हैं, इनमें से आपको चूज करना है कि इनमें से कौन कौन सा एजुकेशन से रिलेटेड है तो इनमें से अगर आपको एक भी आर्टिकल नहीं पता है यू कैन नॉट मार्क द करेक्ट आंसर तो ये थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल हाई वाला क्वेश्चन है बट इफ यू रिमेंबर ऑल द आर्टिकल्स देन इट इज इजी फॉर यू देखते हैं इन आर्टिकल्स में क्या क्या है आर्टिकल थर्टीन में लिखा हुआ है लॉज इनकिस्टेंट विद और इन डेरोगेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स कैन बी डिक्लेयर नल एंड वर्ड आर्टिकल थर्टीन में लिखा है कि कोई भी ऐसा लॉ जो फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट जाता है उसे नल एंड वर्ड डिक्लेयर किया जाएगा और हमें पता है कि राइट टू एजुकेशन एक फंडामेंटल राइट right है तो यानी कि आर्टिकल थर्टीन का इंपैक्ट है एजुकेशन पे करेक्ट है ये सेकेंड आर्टिकल फिफ्टीन जो है वो इट प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑन ऑल दीज ग्राउंड और इस वजह से इंक्लूसिव हो जाती है एजुकेशन एजुकेशन बिकम्स इंक्लूसिव क्योंकि आप इसमें से किसी भी ग्राउंड पे डिस्क्रिमिनेशन uh, नहीं कर सकते और आर्टिकल 15 टॉक्स अबाउट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस तो आर्टिकल 15 डायरेक्ट बात करता है आर्टिकल ट्वेंटी वन ए तो है ही राइट टू एजुकेशन विच वॉज एडेड बाई एटी सिक्स अमेंडमेंट तो ये भी हो गया ये भी हो गया देन आर्टिकल ट्वेंटी एट फ्रीडम एज टू अटेंडेंस एट रिलीजियस इंस्ट्रक्शन और रिलीजियस वर्शिप इन सर्टन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन आपको राइट right है कि आप किसी भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन में रिलीजियस वर्शिप अटेंड करो चाहे ना करो तो अगेन एन इम्पैक्ट ऑन एजुकेशन थर्टी राइट ऑफ माइनॉरिटीज़ टू एस्टैब्लिश एंड मेनटेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन अगेन यस तो इसका मतलब पांचों ही आर्टिकल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बी वन टू थ्री फोर एंड इज अ क्वेश्चन टू नो दर्टिकल ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं सेवन क्वेश्चन फंडामेंटल राइट आर अवेलेबल अगेंस्ट दूम किस किसके एक्शन के अगेंस्ट अवेलेबल है अगेंस्ट द एक्शन ऑफ स्टेट ओनली टू प्राइवेट इंडिविजुअल्स मतलब ये सिर्फ स्टेट के एक्शंस के अगेंस्ट सिर्फ प्राइवेट इंडिविजुअल्स को अवेलेबल है सेकंड अगेंस्ट द एक्शन ऑफ स्टेट एज वेल एज इंडिविजुअल्स ओनली टू प्राइवेट इंडिविजुअल्स थर्ड अगेंस्ट द एक्शन ऑफ स्टेट प्राइवेट इंडिविजुअल्स एंड कमर्शियल एंटिटीज टू इंडिविजुअल्स एंड कमर्शियल एंटिटीज और डी अगेंस्ट द एक्शन ऑफ प्राइवेट इंडिविजुअल्स ओनली टू प्राइवेट इंडिविजुअल्स रेस्ट आई टू आंसर इट सी द करेक्ट आंसर हेयर इज द ब्रॉडेस्ट वन सी तो फंडामेंटल राइट्स का जो पार्ट है ये स्टेट के अगेंस्ट भी अवेलेबल है प्राइवेट इंडिविजुअल्स के अगेंस्ट भी अवेलेबल है और कमर्शियल एंटिटीज के अगेंस्ट भी अवेलेबल है लेट अस सी विद एग्जांपल्स तो प्राइवेट इंडिविजुअल्स के अगेंस्ट कैसे अवेलेबल है जैसे आर्टिकल सेवनटीन राइट अगेंस्ट अनटचेबिलिटी आपको कोई अनटचेबल की तरह ट्रीट नहीं कर सकता ना सिर्फ स्टेट बल्कि कोई प्राइवेट इंडिविजुअल भी नहीं कर सकता सो इट इज अवेलेबल अगेंस्ट द एक्शन ऑफ प्राइवेट इंडिविजुअल सेकेंड इट इज अगेंस्ट द एक्शन ऑफ एंटिटीज़ ऑल्सो जैसे कि राइट टू एंटर अ पब्लिक स्पेस विदाउट डिस्क्रिमिनेशन तो कोई पब्लिक एंटिटी भी किसी पर्सन का एक्सेस रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकती ये भी फंडामेंटल राइट right है तो अगेंस्ट एंटिटीज भी एनफोर्सबल हो गया अगेंस्ट द स्टेट तो बहुत सारे हैं स्टेट डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकती स्टेट को इक्वल अपॉर्चुनिटी देनी पड़ेगी स्टेट को टाइटल एबॉलिश करने पड़ेंगे दे आर सो मेनी आर्टिकल्स इवन कमर्शियल एंटिटीज ऑल्सो आर सब्जेक्ट टू सर्टन फंडामेंटल राइट्स जैसे कि वो डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते एंड ऑल दिस तो सारे के सबके अगेंस्ट ये अवेलेबल है सो योर आंसर हेयर वुड बी सी

बट एक वक्त ऐसा आया था जब इन दोनों में टसल रहती थी यानी कि सरकार किसी डायरेक्टिव प्रिंसिपल को इम्प्लीमेंट करने के लिए कोई लॉ बनाती थी और कई बार उससे कोई ना कोई फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा होता था सो so, वो एक ऐसा इरा था जिसमें फंडामेंटल राइट और डायरेक्टिव प्रिंसिपल में डिस्प्यूट्स चले तो इनमें से कौन कौन से केसेज हैं जिनमें इस डिस्प्यूट को लेकर इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन्स की गई थी और इस डिस्प्यूट से रिलेटेड है ऑप्शनज़ आर ए सॉरी वन गोलकनाथ केस बी चंपकम दौराई राजन केस थ्री मिनरवा मिल्स केस एंड डी भिकन सिंह केस अब ये सारे केसेस बहुत इंपॉर्टेंट हैं ऐसा नहीं है कि रेंडमली पिकअप किए गए हैं ये सारे केसेस के नाम आपको पता होने चाहिए इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर इंडियन पॉलिटी तो ऑप्शन है वन एंड थ्री टू थ्री एंड फोर वन एंड फोर और वन टू एंड थ्री तो एक एक करके पहले हम देखेंगे कि इन केसेस में था क्या देन वी विल अराइव एट दी आंसर सबसे पहले था चंपकम दोराई राजन केस इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर फंडामेंटल राइट right और डायरेक्टिव प्रिंसिपल में कोई डिस्प्यूट हो जाता है तो द फॉर्मर विल प्रिवेल फंडामेंटल राइट को ऊपर माना जाएगा अगर दोनों में कोई डिस्प्यूट आता है तो फंडामेंटल राइट सुप्रीम है सिंपली दूसरा केस था गोलकनाथ केस इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा पार्लियामेंट कैन नॉट टेक अवे और एब्रिज एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट्स विच आर सेक्रोसैक्ट इन नेचर फंडामेंटल राइट्स को हिलाया नहीं जा सकता छेड़ा नहीं जा सकता ये बोल दिया गोलकनाथ केस में लेकिन ये रूलिंग थोड़ी सी चेंज हुई मिनरवा मिल्स केस में इसमें कहा गया कि ऐसा नहीं है कि फंडामेंटल राइट्स ही इंपॉर्टेंट है डायरेक्टिव भी इंपॉर्टेंट है सो द कॉन्स्टिट्यूशन इज फाउंडेड ऑन द बेड रॉक ऑफ द बैलेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स तो ये वो केस था जिसने ये होल्ड किया कि दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं तो हमें बैलेंस बनाकर चलना है एसेंस देखनी है कॉन्स्टिट्यूशन की कि क्या है एक्चुअली में इन दोनों में आपस में कन्फ्लिक्ट होना नहीं चाहिए बिकॉज बोथ आर ड्राफ्टेड बाय द सेम पर्सन एंड बोथ दे एक्सपेक्ट द यू कैन से द वेलफेयर ऑफ द पीपल तो ऐसा कोई कन्फ्लिक्ट होना नहीं चाहिए सो दीज थ्री केसेज आर रिलेटेड टू योर आर कन्फ्लिक्ट बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डरेक्टिव तो आंसर हो जाएगा वन टू एंड थ्री सो डी इज़ योर आंसर हेयर केस इज नॉट रिलेटेड टू दिस कॉन्फ्लिका क्वेश्चन है कम जीके का क्वेश्चन ज्यादा है तो बताइए इनमें से कौन सी स्टेट है जहां यूनिफॉर्म सिविल कोड लगता है हा वट इज यूनिफॉर्म सिविल कोड देखिए जो फैमिली लॉज होते हैं या जो पर्सनल लॉज होते हैं जैसे कि मैरिज को लेकर डिवोर्स को लेकर इनहेरिटेंस यानी कि फैमिली लॉज जो होते हैं फैमिली लॉज सभी धर्मों के अलग अलग हैं उससे होता यह है कि किसी ना किसी धर्म में कोई ना कोई फंडामेंटल राइट वायलेट होता है कोई ना कोई डिस्क्रिमिनेशन आती है जैसे किसी धर्म में मल्टीपल शादियां अलाउड होती हैं किसी धर्म में जो प्रॉपर्टी है वो अच्छे से डॉटर्स को नहीं दी जाती सो देर आर सो मैनी प्रॉब्लम्स इन द लॉज ऑफ डिफरेंट रिलीजन्स तो यूनिफॉर्म सिविल कोड ये कहता है र्टिकल फोर्टी फोर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इट्स अ डायरेक्टिव प्रिंसिपल यूनिफॉर्म सिविल कोड का कॉन्सेप्ट यह कहता है कि सिविल कोड सबका बराबर होना चाहिए चाहे धर्म कोई भी हो इसका मतलब ये नहीं है कि रस्म रिवाज बदल जाएंगे इसका मतलब यह है कि उनकी जो लीगल प्रोविजन्स हैं वो कॉमन होनी चाहिए ताकि बहुत सारे डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिस बंद की जा सकें तो एक पूछ रहा है कि इंडिया में तो अभी तक यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं है लेकिन एक स्टेट है जहाँ पर यह चल रहा है और ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि कुछ महीने पहले इनफैक्ट आई थिंक लास्ट ईयर सुप्रीम कोर्ट के एक जज ने ऑब्जर्वेशन दी थी दैट इवन दैट स्टेट हैज यूनिफॉर्म सिविल कोड सो वाई कांट दैट मॉडल भी अप्लाइड थ्रू आउट इंडिया तो सेंटर गवर्नमेंट को उन्होंने एक एडवाइस दी थी क्योंकि ये काम करना तो सेंटर गवर्नमेंट का काम है कि आप कोशिश करो कि उस स्टेट का मॉडल अडॉप्ट करो पूरे इंडिया के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाओ सो विच इज दैट स्टेट द आंसर इज बी गोवा गोवा में यूनिफॉर्म सिविल कोड चल रहा है सो so, uh, मैरिज डिवोर्स इन्हेरिटेंस एडोप्शन मेंटेनेंस इस तरह की जो फैमिली लॉ वाली चीजें हैं इनके लिए सबके लिए लॉ बराबर होना चाहिए धर्म स्पेसिफिक नहीं होना चाहिए सो गोवा सिविल कोर्ट जो है उसके अंडर अगर आप कुछ भी करते हो तो सभी धर्मों के लिए जो ये फैमिली लॉ के रूल्स हैं ये सेम है क्वेश्चन नंबर टेन द पर्पज ऑफ इंक्लूजन ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज डी को डालने का मेन पर्पज क्या है कॉन्स्टिट्यूशन में नंबर वन पॉलिटिकल डेमोक्रेसी लेके आना नंबर टू सोशल डेमोक्रेसी नंबर सी गांधी डेमोक्रेसी और डी सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी फेयरली इजी क्वेश्चन इसमें से एक ऑप्शन तो बिल्कुल सीधा एलिमिनेट होता है विच इज पॉलिटिकल डेमोक्रेसी पॉलिटिकल डेमोक्रेसी के लिए हमारे पास फंडामेंटल राइट्स हैं तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल बाहर हो गया यहां पर इसका आंसर आता है सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी बिकॉज सोशल और इकोनॉमिक राइट्स हैं जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में दिए गए हैं अगर बात करें सिविल और पॉलिटिकल राइट्स की तो वो आपके दिए गए हैं फंडामेंटल राइट्स में सो हियर द आंसर विल बी सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी पॉलिटिकल डेमोक्रेसी जो थी वो फंडामेंटल राइट से आ जाती है क्वेश्चन नंबर इलेवन विद रेफरेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स फंडामेंटल ड्यूटीज डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ये तीनों आपको दिए हुए हैं क्वेश्चन क्या है विच ऑफ द अबव प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर फुलफिल्ड बाय द स्वच्छ भारत अभियान लॉन्च बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नाउ दिस इज अ टिपिकल क्वेश्चन जहां आपको अप्लाई करनी है अपनी नॉलेज यू हैव टू अप्लाई द नॉलेज ये डायरेक्ट यू कैन से फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन तो है ये लेकिन आपको ये तीनों चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए अब वही जो मैंने आपको बोला था कि आपको आर्टिकल्स एक्चुअली में याद करने हैं 12 से लेकर इक्यावन तक तो उसका इफेक्ट जो है वो इस क्वेश्चन में आपको देखने को मिलेगा नाउ यू हैव टू अप्लाई योर माइंड ऑन दिस क्वेश्चन कि स्वच्छ भारत अभियान के तहत सैनिटेशन दी जा रही है वुमेन की डिग्निटी भी इसमें इन्वॉल्व है क्लीनलीनेस इन्वॉल्व है तो इससे इन तीनों में से किस किस पर इम्पैक्ट आता है कौन कौन सी प्रोविजन है जो फुलफिल होती हैं सो वेरी वेरी आई वुड से वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन आई दिस पर्टिकुलर टॉपिक सो इट्स अ वेरी दिस क्वेश्चन इज फ्रेम्ड कीपिंग इन माइंड कि आपको ये नॉलेज अप्लाई करनी आए हाउ टू अप्लाई इट अभी किसी भी स्कीम के कॉन्टेक्ट में पूछा जा सकता है जैसे अभी पी एम वाणी स्कीम लॉन्च हुई है जो वाई फाई एक्सेस के लिए है तो आपको पूछा जा सकता है कि पी एम वाणी से क्या इनमें से किन किस किस का जो गोल है वो फुलफिल होता है सो so, किसी भी स्कीम के ऊपर यह अप्लाई हो सकता है इसका जो आंसर आएगा ओके लेट मी नो योर आंसर्स फर्स्ट इसमें थोड़ा टाइम लगेगा थोड़ा दिमाग लगेगा you know? सो so, इसका जो आंसर है दैट इज ऑल वन टू एंड थ्री तीनों में तीनों के पर्पस फुलफिल होते हैं तीनों में एक एक आर्टिकल ऐसा है जो स्वच्छ भारत अभियान से डायरेक्टली बेनिफिट होता है लेटर सी सबसे पहले आर्टिकल ट्वेंटी वन राइट टू लाइफ कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे ज्यादा लिबरली इंटरप्रेटेड आर्टिकल तो आर्टिकल ट्वेंटी वन के अकॉर्डिंग राइट टू लाइफ में ही एक इंटरप्रिटेशन दी गई थी राइट टू क्लीन एनवायरमेंट उसके बहुत सारे राइट्स डिवॉल्व किए थे कोर्ट्स ने तो राइट टू क्लीन एनवायरमेंट जो है वो स्वच्छ भारत अभियान से फुलफिल होता है सो फंडामेंटल राइट इज देयर देन डायरेक्टिव प्रिंसिपल में आर्टिकल फोर्टी सेवन कहता है द स्टेट शेल इंप्रूव पब्लिक हेल्थ एंड रेज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग तो पब्लिक हेल्थ इंप्रूव होती है इससे सो इवन डायरेक्टिव प्रिंसिपल इज फुलफिल्ड देन आर्टिकल फिफ्टी वन ए क्लॉज ई जो कि डायरेक्टिव जो कि फंडामेंटल ड्यूटी है इट ज रिलेटेड विद डिंग द प्रैक्टिस डेरोगेटरी टू द डिग्निटी ऑफ डिग्निटी ऑफ के डिग्निस्ट जो भी प्रैक्टिस रोका जाए नाउ वट इज दैट प्रैक्टिस ओपन डेफिकेशन इट डिनाउंसिस द डिग्निटी ऑफ वेमेन तो इसको भी ये फायदा देता है सो इट फुलफिल्स दू कैन से प्रिंसिपल अंडर ऑल द थ्री पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इसका आंसर हो जाएगा ऑल थ्री ये टिपिकल क्वेश्चन है कि कैसे आपको पढ़ते हुए अपनी नॉलेज अप्लाई करनी आनी चाहिए क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व विच आर द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी सीधा सा क्वेश्चन है इनमें से कौन सा डायरेक्टिव प्रिंसिपल नहीं है ऑप्शन आर ए टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सॉवरिंटी यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया टू सिक्योर अपॉर्चुनिटी फॉर हेल्थी डिवेलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन सी प्रोटेक्ट मॉन्यूमेंट्स प्लेसेज एंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस

हर सिटीजन की ड्यूटी बनती है कि वो सॉवरेंटी यूनिटी और इंटेग्रिटी को प्रोटेक्ट करे सो आंसर विल बी ए ओके सो टू अपहोल्ड द दिस इज अंडर आर्टिकल ए सी ये थर्ड फंडामेंटल ड्यूटी है हर इंडियन सिटीजन की क्वेश्चन नंबर थर्टीन विच ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्टिव प्रिंसिपल इज नॉन गांधी तीन प्रिंसिपल इसमें से गांधी है जो गांधी फिलोसफी आइडियोलॉजी पे बेस्ड है एक नहीं है ऑप्शन आर ए प्रमोशन ऑफ कॉटेज इंडस्ट्रीज गांधी जी हमेशा कॉटेज इंडस्ट्रीज को प्रमोट करने के लिए कहते थे सो इट इज़ अ गांधीयन प्रिंसिपल प्रोहिबिशन ऑफ द यूज ऑफ इंटॉक्सिकेंट्स एक्सेप्ट फॉर मेडिसिनल पर्पजेज ये भी गांधीन प्रिंसिपल है गांधी जी वॉज स्ट्रिक्टली अगेंस्ट लिकर कंजम्पन सी प्रिवेंशन ऑफ स्लॉटर ऑफ काउज काव्स एंड अदर मिल्च एनिमल्स ये भी गांधीन प्रिंसिपल है बिकॉज काउज काव्ज एंड दिस कैटल वर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर विलेज इकॉनमी फोर्थ प्रोविजन ऑफ फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन अपू फोर्टीन ईयर्स ऑफ एज ये गांधीयन प्रिंसिपल नहीं है मतलब गांधी जी में भी सपोर्टेड इट बट ये उनकी आइडियोलॉजी में फिट नहीं होता है सो डी इज योर आंसर हेयर तो ये सारे के सारे जो हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ये गांधीयन प्रिंसिपल्स हैं जैसे कि विलेज पंचायत को ऑर्गेनाइज करना अंडर आर्टिकल फोर्टी देन कॉटेज इंडस्ट्रीज को अंडर आर्टिकल 43. स्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स और वीकर सेक्शन को प्रोटेक्ट करना अंडर आर्टिकल फोर्टी सिक्सो गांधीपल प्रोहिबिशन ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग मटीरियल ये भी गांधी है एंड प्रोहिबिशन ऑफ काउ काव्स एंड कैटल ये भी गांधी प्रिंसिपल है सो ऑल दीज आर गांधी प्रिंसिपल इन द डायरेक्टिव पार्ट क्वेश्चन नंबर फोर्टीन द सेकेंड लास्ट क्वेश्चन अंडर दूशन ऑफ इंडिया ज नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटी इसमें से तीन फंडामेंटल ड्यूटी है एक नहीं है आपको वो आइडेंटिफाई करनी है ऑप्शन टू वोट इन पब्लिक इलेक्शन बी टू डेवेलप साइंटिफिक टेम्पर सी टू सेफ गार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड डी टू अबॉइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट इट्स आइडियल यस वट इज द आंसर इनमें से कौन सी फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है लेटमी नो इट्स फेयरली इजी वन सो यस द आंसर इज टू वोट इन पब्लिक इलेक्शन ये फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है मतलब ये वैसे हमारी मॉरली ड्यूटी बनती है कि हमें जाकर वोट करना चाहिए लेकिन इसको फंडामेंटल ड्यूटीज में इंक्लूड नहीं किया गया बाकी तीनों फंडामेंटल ड्यूटीज हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट वीजा वी द फंडामेंटल ड्यूटीज फंडामेंटल ड्यूटीज से रिलेटेड इनमें से तीन स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं एक गलत है वो एक गलत स्टेटमेंट हमें चुननी है फर्स्ट इट वॉज़ रिकमेंडेड बाय द स्वर्ण सिंह कमिटी ये बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट है 1975 में द देन प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी हैड अपॉइंटेड अ कमिटी स्वर्ण सिंह कमिटी और उन्होंने यूएसएसआर के कॉन्स्टिट्यूशन से कुछ ड्यूटीज़ उठाई उन्हें मॉडिफाई किया और रिकमेंड कर दिया कि इन्हें इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में डाला जाए उसके बाद फंडामेंटल ड्यूटीज़ किस आर्टिकल में है आर्टिकल 51 वन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में ये भी करेक्ट है 51 वन ए के अंदर ये सारी ड्यूटीज़ आती हैं थर्ड बॉर्ड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्स्ट ट्वेल्व यू जैसा कि मैंने बताया तो so, ये स्टेटमेंट भी आपकी करेक्ट है एडेड बाय द फोर्टी फोर्थ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट नाउ ऑफकोर्स ये तीनों सही हैं तो यही गलत होगी तो ये हमारा तो आंसर है बिकॉज द फंडामेंटल ड्यूटीज वर एडेड बाय फोर्टी सेकेंड अमेंडमेंट एंड नॉट बाय फोर्टी ड्यूटी बाद में एड की गई राइट टू एजुकेशन या ड्यूटी ऑफ द गार्डियन पेरेंट टू प्रोवाइड ऑपरचुनिटीज टू देर चिल्ड्रन फॉर एजुकेशन सो आई होप यू लाइक द क्वेश्चन राइट जो भी आपको Uh, इस वीडियो के बारे में अच्छा लगा हो या वट एवर योर व्यूज़ आर लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन अगर आप चाहते हैं कि हम और ऐसी वीडियोज़ लेके आते रहें प्लीज़ लेट एस नो सो दैट वी ऑल्सो फील इनक्रेजमेंट अगर आपको क्वेश्चन की क्वालिटी अच्छी लगी हो यू कैन ऑल्सो जॉइन अर टेस्ट सीरीज़ बाई क्लिकिंग ऑन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो यू कैन ऑल्सो जॉइन अवर कोर्सेज बाय क्लिकिंग ऑन द लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन बिलो सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड कीप वॉचिंग All the best for your exam. Thank you.